हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया शानदार वीडियो जो है दिखाने लेके जा रहा। और आज के वीडियो का हमारा टाइटल है एक बिहार में बहुत ही शानदार ब्रिज बन रहा है गंगा नदी के ऊपर, जिसका नाम है सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल। तो मैं आपको बता दूं, 1700 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण करने वाली कंपनी है SB संगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। और इस पुल की लंबाई जो है 3.156 किलोमीटर होगी। और पुल का निर्माण कार्य मार्च 2020 में समाप्त हो जाना था, परंतु भू अर्जन की प्रक्रिया नहीं पूरी होने के कारण अभी विलंब हो रहा है, परंतु निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से हो रहा है। और ये पुल जो है लगभग 31 पायों में बनने वाला है, और 31 के 31 पाए जो है बन चुके हैं। अप्रोच रोड का काम जो है बचा है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, इस पुल की बहुत ही ढेर सारी खासियत है। तो इस पुल की कौन कौन सी खासियत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो मैं बता दूं आपको, ये अगुवानी घाट पुल जो है ये अगुवानी घाट से भागलपुर को जोड़ेगा। मतलब कि ये पुल जो है वो भागलपुर को खगड़िया जिले से जोड़ेगा, और ये NH 80 और NH 31 को कनेक्ट करेगा। और इस पुल के बीचों बीच एक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी होगा। और मैं आपको बता दूं, ये पुल जो है भागलपुर और मुंगेर के ठीक बीचों बीच होगा, या उसका निर्माण हो रहा है इसका। ये भागलपुर शहर से जो है 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसके एक तरफ जो है वो भागलपुर जिला है, और एक तरफ जो है तो आपका खगड़िया जिला है। दोनों को ये जोड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, पुल के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी पार्क होगा। ये क्या है ये मैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा। डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी पार्क जो है वो यहाँ पे आप डॉल्फिन को गंगा नदी में देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, गंगा नदी जो आपका बिहार से होके बह रही है, और भागलपुर में जो गंगा नदी है वहां पर डॉल्फिन बहुत ढेर सारी मात्रा में पाई जाती है। तो पुल के बीचों बीच जहाँ पे पुल की चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी, और वहां पे 4 फ्लोर का जो है वो एक ऑब्जर्वेटरी बन रहा है, जिसका नाम है डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी पार्क। इस ऑब्जर्वेटरी में आप नीचे उतर करके आप डॉल्फिन्स को देखने का मजा उठा सकते हैं। इस पुल की ही खासियत है, पूरा पुल जो है वो केबल का पुल होगा। तो मैंने आपको पूरी खबर दी। अगर अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए बिहार और पटना से जुड़ी हुई वीडियोस को हम आपको ऐसे यूं ही दिखाते रहेंगे।